ओके सो आज की हमारी जो वीडियो है वो है हिंदू पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज वर्सेस जाकिर नायक साहब। तो इस वीडियो में उन दोनों की एक कॉन्वर्जेशन है जो रिकॉर्ड की गई है, तो इसमें देखते हैं कि उनकी क्या कॉन्वर्जेशन थी, उन्होंने क्या बातचीत की है और उसमें से हम लोगों को क्या नया मैसेज मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुनाह किसने किया? बांट मीट खिला के तुमने खिला, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए, तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते, कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञा में पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा एक महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल भाजी चावल देंगे एक महीने के लिए, अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरण देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता कि हिंदू होली बुक्स में एग्जैक्टली ये चीज मेंशन है या नहीं, क्योंकि जो जाकिर नायक साहब हैं वो तो स्कॉलर हैं, ही हैज़ गुड नॉलेज अबाउट ऑल दी होली बुक्स, उन्होंने पढ़ी हुई हैं, उन्हें हर चैप्टर हर वर्स ऐसे टिप्स पे याद है, तो मेंशन होगा कहीं ना कहीं। और जो उन्होंने पूरा मेन्यू बताया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए यू नो जो पूर्वज हैं उनको खुश किया जा सकता है, जो कि भीम ने, युधिष्ठिर ने भीम से पूछा था और भीम ने उनका आंसर किया था उन्हें, तो
हो गई और कुर्बानी तो की जाती है, खैर ये मुझे पता है कि तो जो कुर्बानी है वो तो सब धर्मों में होती है, गाय की या भैंस की भी होती है कुर्बानी। और जो गोश्त खाने की बात है तो हम देखें तो व्हाट इज मांस, मांस मांस जो जैसे हम चिकन को कट करते हैं या मटन होता है, फिश होती है। यू आर नॉट राइट, मांस इज अ दिस दिस हाँ दिस हाँ तो उसको ये मांस होता है तो जो हम उसकी फॉर्म में बोलते हैं खाने वाला, तो वो जब एनिमल्स को कट करते हैं लाइक चिकन मटन और भी जो भी रहती है, फिश रहती है, तो उनकी जो हम खाते हैं उसको मांस, उसको उन्होंने मांस बोला है इस वीडियो में। तो क्या है कि अगर हम देखें मोस्टली लोग नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज खाने का और बुद्धि भ्रष्ट होने का He was also saying we should not eat chicken, but मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज नहीं खाती और थोड़ा थोड़ा खाती हूँ कभी और थोड़ा नहीं खाती, लेकिन पापा मुझे वार्न करते हैं कि खाओ 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 खाओ। तो चिकन ये क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं से, बच्चों को और हमें भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, तो जो हम लोग प्रेफर करते हैं कि नॉन वेज आइटम खाएं। तो आई एम प्योरली वेजिटेरियन मैं, बट हस्बैंड और रक्षा आई ऑलवेज प्रेफर कि ये लोग खाते रहें बिकॉज इनको अच्छा लगता है। और दिस इज नॉट अबाउट कि चिकन क्यों खाया या मैं क्यों नहीं खा रही या आई हैव सम रिलीजियस रीजन बिहाइंड इट, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट जैसे बोलते हैं, अगर हम लोग अगर सब्जियों की भी बात करें, अगर कई लोग होते हैं जिनको घिया नहीं पसंद होती या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती, साग नहीं पसंद होता, पालक नहीं होता, तो उसका रीजन ये नहीं है कि वो लोग जैसे चिकन जैसे हम लोग बोलते हैं कि अच्छा इसलिए नहीं खाते इसलिए नहीं खाते, तो इसका रीजन ये होता है कि टेस्ट डेवलप नहीं है उनका या उनको वो टेस्टी नहीं लगता। दूसरी सेम वे अगर किसी को चिकन पसंद है या मटन पसंद है या फिश पसंद है और वेजिटेबल्स कम पसंद है तो वो उसे खाने ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो देर इज़ नथिंग लाइक कि नॉनवेज खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मीन्स एटलीस्ट मैं तो ये नहीं मानती कि बुद्धि और नॉनवेज खाने का कोई भी आपस में रिलेशन है, बिकॉज अगर कोई वेजिटेरियन भी हैं बुद्धि भ्रष्ट उनकी भी हो सकती है, वो भी अग्रेसिव हो सकते हैं लोग, वो लोग भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो खाने पीने की चीज़ों से कुछ ऐसा नहीं होता बिकॉज उसमें से हम लोगों को सारे न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिलते हैं, उसके बाद में वो क्योंकि हर खाने वाली चीज से हम लोगों को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वो जाके सीधा दिमाग पे हिट नहीं करती कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। तो ये बात थोड़ी सी मैं डिसएग्री करूंगी पंडित जी की, बिकॉज ठीक है जो लोग नहीं खाते दे हैव लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस कि ये रीजन है नहीं खाना चाहिए, वो रीजन है नहीं खाना चाहिए, बट जो लोग खाते हैं उनको डेफिनेटली खाना चाहिए। एंड आई लाइक चिकन मोमोज एंड वेज मोमोज, इन चिकन मोमोज देयर इज चिकन बट आई ईट एंड वेज मोमोज बट आई डोंट नो what is inside the veg momos and now for they are veggies in the veg momos okay and now for when I eat also paneer chicken momos because my one didi ordered it and when I ate it it was so tasty when you will eat this three all so I will talk to you when you will not eat I will not talk to you So this is like she keeps talking. Okay जी, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। Bye bye.